पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है। समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, जनता ने उसका समर्थन किया। मैं धन्यवाद दूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा जनता का इस मौके पर। समाजवादी पार्टी को जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट मिला है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं जनता का, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का, हर जात धर्म के लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा पूरी पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष में थी और सबसे ज्यादा संघर्ष भी समाजवादी पार्टी ने किया है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो जो चुनाव का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रखा है उसका पूरा करने का भी संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है। सरकार बनेगी, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी लागू करेगी जनता के बीच में, जिससे कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल दे, जो लूट भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोक करके समाजवादी पार्टी की सरकार में एक खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पूरे चुनाव में बिना आपके सहयोग के इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। प्रेस के साथियों ने भी बहुत सहयोग दिया और सहयोग मिला, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव चल रहा था, आप लोगों का सहयोग न मिलता तो इतनी बड़ी लड़ाई और इतना बड़ा स्पष्ट बहुमत समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता। इसलिए जनता का धन्यवाद और आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद। विधानमंडल की बैठक कल होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जी, पूरी पार्टी। वो मैंने कई बार उस सवाल का जवाब दिया, आज फिर देता हूं मैं, कि पूरी पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। अब कल जब बैठक हो जाएगी और उसके बाद पार्टी फैसला कर करके दावा भी पेश करेगी। पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों को इस मुद्दे की सफाई देनी पड़ी और सवाल का जवाब देना पड़ा। आज फिर आपके सामने और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जिस दिन आपने टीवी पे चलाया उसी दिन सस्ती हो गई थी। मैंने आपसे कहा कि चुनाव का जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल हो, क्योंकि बहुत उम्मीद है समाजवादी पार्टी पर, जनता को हमें भरोसा है कि मैनिफेस्टो को पूरा लागू कर करके जनता की उम्मीदों पर खरी समाजवादी पार्टी उतरेगी। ये सच है कि इतना भ्रष्टाचार कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस तरीके से हुआ है, और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हत्याएं भी हुई हैं, और पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने इस बात को रखा जनता के बीच में। जहां तक सवाल वो जांच होगी किस तरह क्या होगा वो तो बाद ही का फैसला है, अभी तो केवल अच्छाई पे बात हो जाए, समर्थन की बात हो जाए, जनता का धन्यवाद हो जाए। अब क्योंकि परिणाम सामने आ गया है तो हम तो धन्यवाद देंगे जनता का। अब क्योंकि सभी दल लड़ रहे थे, कोई ना कोई नंबर दो पे आना था, कोई ना कोई तीन पे आता। अब जहां तक चुनाव है, कल हम लोग हारे थे,
आज कोई दूसरा दल हार गया तो राजनीति में तो हार स्वीकार करनी पड़ती है और जीत का भी आभार प्रकट करना पड़ता है। अब केवल अभी धन्यवाद और आभार दे रहे हैं हम लोग। पूरे चुनाव में कभी हम लोगों ने तुलना नहीं की और अभी तक जब भी मैंने राजनीति की है कभी तुलना के भाव से किसी के साथ काम नहीं किया और मैंने भी कभी नहीं चाहा कि हमारी तुलना हो, लेकिन तुलना और कंपैरिजन आप लोगों ने किया। लेकिन इतना ही है संदेह कि राजनीति में कभी हार होती है कभी जीत, और जब हार हो जाए तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी हार स्वीकार की है, आज जीत है तो इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं जनता का हम लोग। तो ये राजनीति में तो चलता रहेगा, लेकिन जब हम लोग राजनीति कर रहे हैं, सेवा करने निकले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं देश और उत्तर प्रदेश का रास्ता अच्छा निकलेगा। बहुत पिछड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, खुशहाली के रास्ते पे जाए, नौजवान जो देख रहा है उसकी उम्मीद पूरी हो। अब कोई बात नहीं उसमें। जी अभी आपने घोषणा पत्र पढ़ लेना, आपका अलग से हम लोगों ने रखी है सब बातें और लागू करेंगे। सच्चर कमेटी और रंगना मिश्रा की सिफारिशों पे भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है और रंगना मिश्रा सच्चर कमेटी को लेकर के हम लोगों ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो प्रदेश स्तर पे जो जो योजनाएं लागू होंगी वो पूरी की पूरी सिफारिशें लागू करेगी समाजवादी पार्टी। और उर्दू की पढ़ाई के लिए भी इंतजाम का समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है, उर्दू की पढ़ाई का भी इंतजाम होगा। मूर्तियां नहीं हटेंगी। नेताजी ने इस बात को कहा कि क्योंकि उसमें पर्याप्त जगह खाली पड़ी हुई है जिसमें कोई ना कोई संस्था बन सकती है, मेडिकल हॉस्पिटल बन सकता है। किसी भी माफिया का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं लेगी। एक नौजवान चुनाव लड़ रहा था और अयोध्या भी जीती है समाजवादी पार्टी, अंबेडकर नगर भी समाजवादी पार्टी जीती है और लखनऊ के लोगों का भी विशेष धन्यवाद दूंगा, और अभिषेक मिश्रा भी जीते हैं, क्योंकि आईएम पढ़ने वाला नौजवान जब इतनी बड़ी रिस्क ली उसने तो कहीं ना कहीं लखनऊ की जनता ने उसको मौका दिया है काम करने का। और सुल्तानपुर भी जीत गई समाजवादी पार्टी, वो भी जीत गए हम लोग, वो भी जीते हैं। मैं एक बार फिर आपका और जनता का धन्यवाद दूंगा कि समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया है, समाजवादी पार्टी उनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number one. NDTV Profit, India's number one finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now, ndtvprofit.com/apps.